अब हमने पहले पता करना है इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। अलिफ है सिंपल, ठीक है। अगर उसके ऊपर जबर है तो वो हरूफ मदा नहीं होगा। अगर अलिफ के ऊपर जबर है, से है, पेश है, तो वो हरूफ मदा नहीं है, ठीक है। अलिफ मदा होने की जरूरत ये है, उसका वजह ये है कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत ना हो। अलिफ ऐसे अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश ना हो, अलिफ साकिन हो। अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश ना हो, अलिफ साकिन होगा। जब अलिफ साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ पर, चाहे वो कोई भी हर्फ है, अगर उससे पहले वाले हर्फ पर जबर है तो वो अलिफ मर्दा है। क्या है? अलिफ मर्दा है। अगर अलिफ साकिन है
डिमांड करता है सबर की, अलिफ डिमांड किसकी करता है सबर की, वाव डिमांड करता है पेश की, वाव डिमांड किसकी करता है पेश की, वाव किसकी डिमांड करता है वॉइस की। इसी तरीके से अगर वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है तब हम वहाँ पर वाव मद्दा कहेंगे उसको और उसको एक जहाँ पर खींचेंगे, यानी कि उसको हमें लंबा करना है। कैसे यदि देखें कानू, ठीक है, यहाँ पर वाव साकिन है। अब यहाँ पर आगे की तरह आपने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये वाव यहाँ पर साकिन है, ठीक है, और वाव साकिना से पहले क्या है, वाव साकिना से पहले क्या है, वाव डिमांड क्या करता है, तो जैसे ही हमने वाव साकिना से पहले पेश लगा दिया तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसको लंबा करना है। इसके बहुत सारे मिसाल हैं, जैसे कि क्या बन गया ना, तो यहाँ पर हरूफ लीन दो हैं, कौन कौन से वाव